हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप होंगे। तो आज आपकी जो है 11 मार्च हो चुका है, ठीक है? पता ही नहीं चला 4 दिन जो तैयारी के दिए थे कैसे निकले। और कल आपका 12 मार्च है, कल आपका एग्ज़ाम है। कौन सा एग्ज़ाम है? तो सर हिंदी का एग्ज़ाम है, क्लियर। इसलिए कहते हैं ना कि समय का सदुपयोग करना सीखें। बोले 4 दिन दिया, पढ़ लेंगे, फिर पता पड़ा कि केवल 1 दिन ही पढ़ पाए। यही 4 दिन अच्छे से पढ़ते तो देखो आपके नंबर्स में काफ़ी बढ़ोतरी हो जाती। जहाँ आप 60 नंबर ला रहे थे वही आपके 65 बन जाते, जहाँ 65 ला रहे हो वही आपके 70 बन जाते। इसलिए जिन बच्चों ने इन 4 दिन का सही से उपयोग किया होगा उनके अच्छे मार्क्स आएंगे, और जिन बच्चों ने यूं ही समय बर्बाद किया होगा तो उनके थोड़े नंबर कम आ सकते हैं। तो आज जो मैं चर्चा करने वाला हूँ, आज मैं आपको आपका RBSE जो बोर्ड है, ध्यान से सुनना मेरी बात, RBSE आपका जो बोर्ड है उसके पिछले 8 सालों के पेपर बताऊंगा। कितने सालों के पेपर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ? 8 सालों के पेपर। दूसरा, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पिछले 8 सालों में सिलेबस में बहुत सारा चेंजेस हुआ। जो आपके सिलेबस में है वही आपको पढ़ना है, जो आपके सिलेबस के अंदर है वही आपको पढ़ना है बस। इसमें देखो इन पेपरों में जो पिछले सालों में हुए थे ये पेपर, ठीक है, ये सारे बोर्ड के पेपर बता रहा हूँ मैं आपको, उसमें से जो आपके सिलेबस का जो चैप्टर नहीं है यानी जो क्वेश्चन नहीं है उसको नहीं पढ़ना, जो आपके सिलेबस में है वो सारे आपको देखना है। क्योंकि बोर्ड वाले क्या करते हैं, अच्छे से सुनना, इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं खुद एक टीचर हूँ तो एक आपको बात बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, गुप्त सूचना बता रहा हूँ, ये समझ लो आप। कि बोर्ड वाले क्या करते हैं, पिछले सालों के पेपर वापस बना देते हैं, पिछले सालों के जो पेपर आए हुए होते हैं ना उन्हीं में से क्वेश्चन को निकाल देते हैं। पूरा पेपर तो मैं नहीं कहूँगा बिल्कुल, क्योंकि मैं किसी भी विद्यार्थी को जा से मैं या किसी भी विद्यार्थी को झूठ नहीं बोलता कि जो पिछले पेपर्स होते हैं ना, पिछले 8 साल के पेपर आप देखोगे तो उसमें से आपको काफ़ी क्वेश्चन, मान लो 10 से 15 क्वेश्चन आपको हूबहू मिल जाएंगे, यानी वापस से उतर जाता है, उससे मिलते जुलते 10 तो आप मान के चलो ऐसे क्वेश्चन आपको वापस से रिपीट होंगे। इसीलिए ये पेपर में लाया हूँ कि इससे भी आपकी थोड़ी सी हेल्प हो सके, ठीक है। और दूसरा, पुराने पेपरों में आपका जो पैटर्न था वो चेंज था वो सब मैं आपको बता दूंगा, और अब थोड़ा पैटर्न बदल गया है उसके बारे में भी अपन देख लेंगे। बस आपको तो ये देखना है कि ये चीज़ सिलेबस में है तो उसको पढ़ना, ये चीज़ सिलेबस में नहीं है तो उसको नहीं पढ़ना। तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे 2016 के पेपर की। तो ये पेपर 2016 बोर्ड के पेपर है आपके, बिल्कुल निसंदेह आप साइट्स पे जाके चेक कर सकते हो, कहीं भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है ना, उन्हीं बातों का अपन हल करते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये आपका पेपर है, गद्यांश पहले भी आता था, अब भी आता था, ये तो अब भी आपके सिलेबस में, ठीक है। बस फर्क इतना सा कि अब जो आपका गद्यांश आएगा एक तो से आएगा, एक में सवाल पूछा जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल देख लेना, हो सकता है शायद इसमें से आपका रिपीट हो जाए। गद्यांश और पद्यांश दोनों ही आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ जाओ, आगे आ जाओ, यहाँ से आ गया खंड पे। अब देखो खंड क्या है, अब यहाँ से देखो मैं 8 साल के पेपर कराऊंगा, हर पेपर में 4 निबंध आए तो 8 साल को 4 से गुणा कर दो, देखो 8 को 4 से गुणा कर दो तो देखो 32 इंपॉर्टेंट निबंध आपके हो जाएंगे। वैसे तो इसमें से पक्का ही बनना है, आपको सोचने की जरूरत नहीं, फिर भी आप देख लेना, क्योंकि 32 निबंध बहुत होते हैं। 32 निबंध जो मैं आपको बताऊंगा उसमें से भी काफ़ी रिपीट हुए होंगे और वापस से बनने के पूरे चांसेस हैं। तो पहले जो निबंध होता था 300 नंबर का होता था, लेकिन 9 नंबर का था, अब इसे घटा के 6 नंबर का कर दिया। जैसे पर्यावरण संरक्षण हमारा दायित्व, राष्ट्र के प्रति हमारा दायित्व, ठीक है। बढ़ती महंगाई, ये तो अब भी इम्पोर्टेंट है, देखो हर पेपर में से मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कर रहा हूँ, अभी भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेना। बढ़ती महंगाई, क्योंकि अभी वर्तमान में महंगाई बहुत ज़्यादा आती है, सवाल वापस से रिपीट हो सकता है। दूसरा, राजस्थान में गहराता जल संकट, कई बार एग्जाम से पूछ लिया, इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो मैंने आपको महंगाई बता दिया, दूसरा राजस्थान में गहराता जल संकट इम्पोर्टेंट है, पढ़ लेना। अब देखो सवाल देख लेते हैं, प्रार्थना पत्र पहले भी था, ओ पत्र पहले भी था आपके, रब भी है, ठीक है। स्वयं को भरतपुर का निवासी अविनाश मानते हुए भारत के नगर निगम कार्यकारी अधिकारी की सड़कों पर बढ़ रहे अतिक्रमण को नियंत्रित करने हेतु पत्र लिखना आपको, ठीक है। दूसरा,
स्वयं को कपिल मानते हुए अपने क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों को मोहल्ले में आए दिन होने वाली चोरियों की शिकायत पत्र लिखना आपको, ठीक है। अब दोनों में से आपको जो इम्पोर्टेंट जो अच्छा आता हो वही आपको करना है, बाकी दोनों इम्पोर्टेंट इनका ढूंढ के देख लेना एक बार, हो सकता है कि वापस से रिपीट हो जाए पत्र भी आपके, ठीक है। एक तो चोरियों के बारे में, दूसरा सड़कों पर जो अतिक्रमण हो रहा है उसके बारे में। अब आगे जाओ, अमित ने अजय को खिलौना दे दिया, ठीक है। अमित ने क्या करा भाई, अजय को खिलौना दे दिया, वाक्य में कौन सी क्रिया इसकी परिभाषा दीजिए, ठीक है। अमित ने क्या करा भाई, अजय को अपना खिलौना दे दिया, ठीक है। तो इसमें कौन सी क्रिया भी बताइएगा आप, इसमें आपकी सकर्मक क्रिया है, ठीक है, और उसकी परिभाषा देनी है, ठीक है। पद परिचय नहीं पूछा जाएगा आपका, रचना की दृष्टि से वाक्य कितने भेद होते नहीं पूछा जाएगा, क्लियर। आगे जाओ, 9-2-11 होना, ये मुहावरा पूछा जाएगा भाई, 9-2-11 होना नहीं भाग जाना, ठीक है। रामू ने एक मोहल्ले में चोरी की, जैसे ही उसने पुलिस को देखा 9-2-11 हो गया, ठीक है। काला अक्षर भेज बराबर, इसका मतलब होता अनपढ़ होना, क्या होता भाई, अनपढ़ होना, क्लियर। तो इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हो आप अच्छे से। अब आगे बढ़ो, अलंकार आपके नहीं आएगा, अलंकार आपके सिलेबस से हटा दिया गया, अलंकार आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, पहले था अब नहीं है। फिर ये आपका पद्यांश आ गया अच्छे से, इस पद्यांश को आप देख लेना, ये फसल वाला है, देखो ये पद्यांश अभी भी है, दंतुरिन मुस्कान वाला चैप्टर अभी भी है और ये फसल वाला अभी भी है आपके। आगे आ जाओ, अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, सबसे बड़ा फायदा यही है कि पिछले 8 सालों का क्वेश्चन आंसर देखोगे तो आपको ब्रीफ आइडिया हो जाएगा कि कैसे सवाल बनना है, और कुछ सवाल आपको शेखावटी से मिल जाएंगे, कुछ सवाल आपको यहाँ से मिल जाएंगे, कुछ सवाल मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक से आपको करवाया वहाँ से आपको मिल जाएंगे, क्लियर है। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद उद्धव के माध्यम से गोपियों के पास जो संदेश भेजा उसकी गोपियों ने क्या प्रतिक्रिया की, इंपॉर्टेंट सवाल है। जयशंकर प्रसाद का इंपॉर्टेंट सवाल है, ये गिरिजा माथुर का ये हट गया आपके सिलेबस से, और राम लक्ष्मण परशुराम ये इंपॉर्टेंट सवाल आपका, ठीक है। आगे आ जाओ, फिर ये आपका एक पद्यांश आ गया है, पद्यांश को उत्तर इसी में से देख के आपको देना, ठीक है। फिर ये हालदार साहब का आ गया, ये तो वर्तमान में भी है आपका, ठीक है, हालदार साहब नेताजी का चश्मा वाला, तो ये पूरा है आपके, तो इस देख लेना आप, और बाकी मैं क्वेश्चन आपको बता दूँ, बाल गोविंद भगत है आपका, ठीक है, क्लियर। फादर बुल्के ने भारतीय संस्कृति का अपन ये भी है आपका, संस्कृति सभ्यता वाला, ठीक है। एक कहानी ये भी आपके चैप्टर से इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये नहीं है शायद आपका, हट गया, आप चेक कर लेना एक बार, है ना। अब आगे आ जाओ, नेताजी का चश्मा पाठ में निहित देशभक्ति के संदेश को अपने शब्दों में लिखे हुए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सवाल, वापस से रिपीट हो सकता है कि नेताजी के चश्मे में क्या मैसेज दिया है देशभक्ति के प्रति, वो आपको अपने शब्दों में लिख के बताना। बिस्मिल्लाह खां ये भी है आपका, नौबत खाने में बाधा, ठीक है। बचपन में निर्दोष निर्भय और मस्त, ये भी आपके सिलेबस से है, और हिरोशिमा वाला भी आपके सिलेबस से, दोनों ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बिल्कुल देख लेना आप। आगे बढ़ते हैं, जोज पंचम की नाक ही हट गया, अभी आपके सिलेबस में नहीं है, जोज पंचम की नाक हट गया। मन काव्य में हो उठा सत्य सौंदर्यों को छूने लगा, ये है आपके। टुन्नू के मारे जाने की समाचार दुलारी की क्या प्रतिक्रिया थी, ये आप चेक कर लेना, साना साना हाथ जोड़ी तो है ही आपके, ठीक है। वापस से बता रहा हूँ, जो आपके सिलेबस में ना वही आपको पढ़ना है, क्लियर है। तो बस इतना ही था, और पहले ही आपके जो यातायात परिवहन एंड सड़क दुर्घटना से एक दो सवाल आते थे, लेकिन आजकल ये सिलेबस से हटा दिया गया, क्लियर। अब अपन चर्चा कर लेते 2017 के पेपर की, ये आपका 2017 वाला पेपर है, देख सकते हो आप अच्छे से, और अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ये आपका गद्यांश आ गया, बड़ा सा गद्यांश देख लेना आप अच्छे से, इसके शीर्षक इसके उत्तर है ना, देखो। स्वपन आता है द्रग कौर को मैं, दीप्ति आती है पंख लग जाते हैं, पगों में ललकती उन्मुक्त छाती, तो ये आप देख लेना। मैं सीधे ही क्वेश्चन आंसर और व्याकरण के जो सवाल है ना इंपॉर्टेंट उसी पर आता हूँ, जैसे निबंध इंपॉर्टेंट है, स्वच्छता पे महत्व ये अभी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, देखना इसको आप अच्छे से। इसके अलावा मैं बात करूँ तो ये फिर भी देख लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है। वृक्ष हमारा सच्चा मित्र बन सकता है, और खुला में सोच मुक्त गांव ये भी आपका बन सकता है, ठीक है। आगे जाओ, स्वयं को गजपुर का निवासी मदन मानते हो अपने जिले को जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखिए, जिससे आपके विद्यालय में रिक्त पदों की शिक्षक लगाने का निवेदन हो।
यानी देखो विद्यालय में शिक्षक गण यानी पूरे नहीं है, मतलब जो टीचर्स है वो कम है, आधे सब्जेक्ट के टीचर नहीं है, तो आपको पत्र लिखना है ठीक है जिला शिक्षा अधिकारी को हमारे स्कूल में भाई टीचर की नियुक्ति दे। दूसरा ये है कि अपने गांव में रामपुर के निवासी रतन मानते हुए चिकित्सा अधिकारी को पत्र लिखना है कि अपने गांव में अतिवृष्टि के कारण मौसमी बीमारी फैल रही, पिछले साल भी ये था आपके साल भी ये था, इसलिए देखो ये पत्र जो बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्र है, आपको बिल्कुल याद करके जाना है। इनके जो पत्र मैं बता रहा हूँ इनमें से देख लेना, आपको हूबहू मिल जाएंगे पत्र भी। आगे बढ़ो, जैसे मोर उड़ गया, कौन सी क्रिया, तो मोर उड़ गया उड़ना आक्रामक क्रिया होती है ठीक है। आगे आ जाओ, ये आपके नहीं पूछा जाएगा, ये आपके नहीं पूछा जाएगा। रंग जमना यानी प्रभाव जमाना, अदगल गगरी छलकत जाए, ओछ आदमी अधिक इतराता है, इसका मतलब क्या हो जाता है, ओछ आदमी अधिक इतराता है, इतराता है ना, तो ये आएगा आपके, ये आएगा बाकी आपके, ये भी नहीं आएगा, अलंकार आपके सिलेबस में नहीं है। फिर आगे आ जाओ, फिर ये गोपियों वाला आ गया आपका ठीक है, गोपियों वाला अभी भी है आपके, कोई दिक्कत नहीं। गोपियों ने कृष्ण को हारिल की लकड़ी क्यों कहा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद करके जाना। कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मंगलेश डबराल की कविता संगीतकार के मुख्य गायक के साथ कौन देता था, ये भी इंपॉर्टेंट है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में लक्ष्मण ने योद्धा की क्या विशेषता बताई, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आगे आ जाओ, फिर ये आपका पद्यांश आ गया ठीक है, फिर ये गद्यांश आ गया आपका। गद्यांश के बाद में बात करूँ तो देखो बाल गोविंद भगत की तीन चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। फादर कामिल बुल के संकल्प से सन्यासी थे, एक कहानी ये भी है, आधार पर सिद्ध कीजिए कि मन्नू भंडारी बाल्यकाल में जिद्दी और विद्रोही स्वभाव की थी। और शहनाई वादक बिस्मिल्ला खां का जीवन परिचय। फिर आगे आ जाओ, ये शायद महावीर प्रसाद त्रिवेदी आपके नहीं है, लखनवी अंदाज आपका है देख लेना ठीक है। माता का आंचल है मैं क्यों लिखता हूँ, ये भी है आपके, दोनों ही है ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट सवाल है। जोज पंचम की नाक, ये हट गया आपके सिलेबस में नहीं है। और चित्रलिखित में से माया और छाया के अंगूठे, ओ आंखें भर देती साना साना हाथ जोड़ी, ये है आपका ठीक है। माता का आंचल भी है आपका ठीक है, बिल्कुल देख लेना आपको। आगे बढ़ो, गाड़ी चलाने के लिए क्या आवश्यक है, ये आपके सिलेबस में ही नहीं, आपको पढ़ना ही नहीं। अब अपन चलते हैं 2018 के पेपर में ठीक है, 2018 का आपका पेपर है जो कि बोर्ड के द्वारा लिया गया था, इसके जो इम्पोर्टेंट है वो सारे मैं आपको बता देता हूँ। देखो हमेशा है ना पिछले पेपर ज़रूर देखा करो, 5-7 साल के पेपर हमेशा देखा करो, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है पेपर के अंदर। दूसरा देखो मैं बताता हूँ भाई, सपनों को सच करना होता ना तो मेहनत करनी पड़ती है। आपको एक बात बता दूँ, जैसे ही आप 10th पास करोगे फिर 12th में जाओगे फिर कॉलेज में, फिर आप जॉब्स यानी सरकारी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करोगे या किसी का प्राइवेट सेक्टर रहेगा ठीक है, या फिर किसी का बिजनेस करने का प्लान रहेगा, तो उसमें देखो काफ़ी हेल्प होती है। अगर आप अगर अच्छे परसेंटेज बनाओगे, अपने दिमाग को जिस तरह दौड़ाओगे ना फ्यूचर में, उस आपका उतना ही दिमाग दौड़ेगा। अच्छी परसेंटेज बनाओगे तो सरकारी नौकरी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, प्राइवेट सेक्टर में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसलिए देखो आप चाहते हो कि मैं एक मुझे एक नौकरी मिल जाए अच्छे से, जिससे कि मैं भी खुश हो जाऊँ, मेरे माता पिता खुश हो जाए, तो देखो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सच बता रहा हूँ, बिना मेहनत के आपको कुछ भी नहीं मिल सकता, इसलिए मेहनत करना सीखिए और अच्छे से मेहनत करें, क्योंकि जब अपने और अपने माँ बाप के सपने सच करने होते हैं ना, तो एक अच्छी सी जॉब आपके हाथ में होनी चाहिए, तब जाके आपके सपने पूरे होते हैं। और सबसे बड़ी बात, समाज में आपको रेस्पेक्ट मिलती है, समाज में आपको सम्मान मिलता है। कब मिलेगा, जब आपके हाथ में नौकरी होगी तो आपको बहुत सम्मान मिलेगा, जहाँ भी जाओगे आप, रिश्तेदारों के यहाँ जाओगे ठीक है, कहीं भी जाओगे ना आप, तो पूरे समाज की तरफ से आपको सम्मान मिलेगा। इसलिए देखो मेहनत करो, बिल्कुल आपकी सरकारी जॉब भी लगेगी ठीक है, और मैं आपके साथ बना हूँ, 11th में भी मैं आपके साथ बना रहूँगा। आप जो भी सब्जेक्ट लो मुझे कमेंट ज़रूर करना, चैनल से आप जुड़े रहना, मैं आपका मार्गदर्शन करता रहूँगा। तो ये आपका हो गया, गद्यांश और पद्यांश दोनों हो गए। आगे बढ़े, भारतवासी के प्रति, अच्छा ये तो ये हो गया, समाचार पत्रों का महत्व, ये आपका निबंध हो गया। राजस्थान में गहरा था, देखो वापस रिपीट हुआ ना, इसलिए कहता हूँ मैं, बार पहले पूछा था वापस आ गया, इसलिए मैं कहता हूँ सवाल वापस से बनते, रिपीट होते हैं ठीक है। उपभोक्ता और संस्कृति, वापस ये भी वापस रिपीट हुआ, आगे आने वाला है, अभी नहीं आगे आने वाला। और महिला की भागीदारी, ये तो मैं आपको 3-4 बार नहीं 5 बार दिखा दूंगा कि वापस से रिपीट होता है। आपका नाम ईशांत है,
और आप लक्ष्मी नगर जयपुर के हैं, आपके क्षेत्र में अक्सर अनियमित बिजली कटौती की समस्या रहती है, तो नियमित विद्युत सप्लाई दिलाने हेतु तो मुख्य अभियंता और विद्युत जयपुर के एक कुछ शिकायती पत्र आपको लिखना है, ठीक है। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, देखो याद करके जाना, शायद मैं बता रहा हूँ जो आपको, मैं ना 8 ही पेपर कराऊंगा, मैं आपको 8 में से आपके 16-17 पत्र हो जाएंगे, उन्हीं में से एक मिल जाएगा आपको, ठीक है। स्वयं को रतलाम का पुस्तक विक्रेता दीपक मानते हुए पुस्तक महल नई दिल्ली और नवीनतम पुस्तक सूची भेजने के लिए पत्र लिखना आपको। कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? कर्म के आधार पर क्रिया होती है आपकी 2 प्रकार की होती है, एक तो अकर्मक एक सकर्मक, ठीक है। अब देखो दोनों की परिभाषा भी बता देता हूँ। सकर्मक, जे वह वाक्य जिसमें कर्ता क्रिया का जो प्रभाव है ना वो सीधा कर्ता पर पड़ता है तो अकर्मक हो जाएगी, और कर्ता का जो प्रभाव कर्म पर पड़ेगा तो वो सकर्मक हो जाएगी, ठीक है। आगे आ जाओ, बहुव्रीहि समास, ये आपके नहीं आएगा, 10वां नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए मैं स्किप कर दिया। बहुव्रीहि समास, वह समास जिसमें कोई अन्य अर्थ निकलता है, ठीक है, जैसे दशानन आपका बहुव्रीहि समास है, गजानन आपका बहुव्रीहि समास है, चंद्रमौली आपका बहुव्रीहि समास है, आशुतोष आपका बहुव्रीहि समास है, ठीक है। तो ये सारे आपके बहुव्रीहि समास है, ठीक है, ये सारा आपको याद रखना है। शुद्ध वाक्य आपके सिलेबस से हटा दिया आपका, बिल्कुल नहीं है ये। बालू से तेल निकालना अंधे की लाठी होना, अंधे की लाठी होना एकमात्र सहारा होना, और बालू से तेल निकालना, कमेंट करके बताना मुझे इसका अर्थ क्या। चट मंगनी पट ब्याह, यानी बहुत जल्दबाजी करना, ठीक है, ये लोकोक्ति आपकी। फिर आपके पद्यांश और गद्यांश आ गए, तो इसका उत्तर आप देखना अच्छे से। देखो ये इंपॉर्टेंट आपका, लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ अनुसार परशुराम की क्रोधाग्नि कैसे शांत हुई, इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाओ, संत पीपा वाला आपके हटा दिया, अभी संत पीपा नहीं है आपके, ठीक है। गोपिया किस लालच में कृष्ण की दासी बन गई, इंपॉर्टेंट सवाल है। कल और आज कविता नागार्जुन में ऋतु चक्र का सजीव वर्णन, कन्यादान कविता का मूल भाव क्या है, अपने शब्दों में लिखिए। एक अद्भुत स्वपन और अपूर्व स्वपन की निबंध की भाषा शैली पर विचार लिखिए अपने, ठीक है। वापस से बता रहा हूँ, जो आपके सिलेबस में है वही चैप्टर आपको पढ़ना है, ये पुराने प्रश्न पत्र हैं जिनमें कुछ सिलेबस में चेंजेस हुआ, कुछ वही है, तो जैसे कि आप देख लेना, जो आपके हैं वही आपको पढ़ना। जैसे गोरा पाठ आपके हटा दिया है, गाय वाला पाठ था, हामिद का चिमटा आपसे हटा दिया, हामिद का चिमटा भी नहीं है आपका। तो जो आपके चैप्टर में है ना, जो आपके सिलेबस में वही आपको पढ़ना, ठीक है। आगे आ जाओ, मातृवंदना और आध्यात्मिक कन्याकुमारी का महत्व, पर निंदा के विषय में दादू ने क्या कहा, तो ये दादू वाला आपके साथ चैप्टर में, आपके सिलेबस में नहीं, आप देख लेना। तुलसीदास आपके हैं अभी, करीब कवि परिचय तुलसीदास, मुंशी प्रेमचंद का आप देख लेना, शायद आपके नहीं हो तो बिल्कुल नहीं पढ़ना। तो ये आ गया फिर आपके यातायात संकेत, तो ये आपके वैसे सिलेबस में नहीं है। अब अगले अगले पेपर की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला पेपर क्या है। आपका 2019 वाला पेपर है, इस पेपर को अपन देख लेते हैं, 2019 में बना था ये पेपर, तो आगे आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला आपका गद्यांश पूछा ही जाता है, गद्यांश और पद्यांश तो वो तो हर पेपर में है ही आपका। फिर आपका देखो, विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन का महत्व मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई साहब, याद कर लेना। दूसरा आतंकवाद की समस्या, ये भी इम्पोर्टेंट है बिल्कुल। यातायात सुरक्षा, ये इम्पोर्टेंट नहीं। योग व्यायाम एक बार देख लेना, बन सकता है, ठीक है। अब आगे चलो, स्वयं को तहसीलदार भिंडर मानते हुए तहसील में जल संकट के कारण जल व्यवस्था है तो अतिरिक्त बजट की मांग के लिए अपने जिलाधीश उदयपुर को पत्र लिखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्वयं को चोमू निवासी दवा विक्रेता हेमांग मानते हुए फार्मा कंपनी को पत्र लिख के दवाइयां मंगवानी, इंपॉर्टेंट है। क्रिया किसे कहते हैं, कर्म के आधार पर भेद बताइए। किसी भी काम को करना क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है, ठीक है। और कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, एक तो अकर्मक एक सकर्मक, ये आपके चैप सिलेबस में नहीं है। गजानन में कौन सा समास अभी बताया था मैंने, बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास की विशेषता आपको बतानी है, ठीक है। आगे आ जाओ, अगर मगर करना है नहीं टालना, और आपे से बाहर होना नहीं होश खो देना, अंधेर नगरी चौपट राजा, यानी अराजकता प्रशासन में, अराजकता, ठीक है, प्रशासन में क्या है भाई, अराजकता है, उसे ही कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा, क्लियर। मुहावरे लोकोक्ति भी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इन्हें रट लेना, मुझे ऐसा लगता है कि इनमें से बहुत कुछ आपको पेपर में देखने को मिलेगा, सच बता रहे हैं। बाकी आप मानो नहीं मानो आपकी मर्जी है, लेकिन बहुत कुछ आपको हूबहू देखने को मिलेगा। फिर ये आपका पद्यांश, आगे आगे बढ़ो,
फिर ये आपके क्वेश्चन आंसर आ गए। लक्ष्मण परशुराम का संवाद है, प्रभु कविता का सार है, अगर प्रभु कविता आपके सिलेबस में है तो पढ़ लेना, नहीं तो नहीं पढ़नी। लोक संत पीपाई हटा दिया गया, आगे आ जाओ। मातृवंदना और कन्यादान कविता है आपके, तो पढ़ लेना आप अच्छे से। लेखक ने देवालय बनाने का, ये तो क्वेश्चन है आपका। भारत की प्रकृति खूबसूरत उपहार, ये भी है आपका। संत दादू शायद ये आपके सिलेबस में नहीं। दादू पंत के पंच तीर्थ हटा दिया, पीपा का मन भी हटा दिया, श्याम का झूला झूलने ने किसे आमंत्रित किया देख लेना, खेतों की मिट्टी पतराई हुई क्यों थी ये भी देख लेना। महाकवि निराला और देव शायद ये दोनों हटा दिए गए। तो अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। ये जो पेपर है आपका 2020 में जो लिया गया था बोर्ड के द्वारा, वो वाला पेपर है। इसके इम्पोर्टेंट सवाल अपन देख लेते हैं। ये आपका गद्यांश है और इसके बाद ये आपके निबंध है। इंटरनेट आ गया आपका, इंटरनेट इम्पोर्टेंट है आपका बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद बात करूँ तो मेरा प्रिय कवि पर्यावरण, देखो पहले भी आया था, पहले पहले पेपर 2016 में पर्यावरण आया था, वापस से रिपीट हो गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इम्पोर्टेंट है, देख लेना। आगे बढ़ो। स्वयं को देवास पुस्तक विक्रेता मानते हुए नई दिल्ली से पुस्तकें मंगवानी, ये पहले भी आया था आपका, इम्पोर्टेंट है। स्वयं को जिलाधीश मानते हुए राजकीय और गैर राजकीय में संस्था प्रधान को एक पत्र लिखे अपने विद्यालय में गांधी जी की 50वीं जयंती मनाने का आदेश दिया गए हो, तो दोनों इम्पोर्टेंट है, देख लेना। विशेषण किसे कहते हैं, दो भेद बताइए। विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। दो भेद, एक तो गुणवाचक हो गया एक परिमाणवाचक हो गया, ये लो। 10वां क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है। द्वंद्व समास किसे कहते हैं, द्वंद्व समास इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और इसमें और का लोप होता है, या और या अथवा का, है ना, जैसे माता और पिता, दिन और रात, लड़का और लड़की, ठीक है ऐसे। शुद्ध करने वाला आपके सिलेबस में नहीं है, ये तो हट गया है। ये आपके आसमान सिर पे उठाना और ओखली में सिर देना, ठीक है। छोटी मुंह बड़ी बात, ठीक है। आगे आ जाओ फिर पद्यांश देख लेते अपन। यहाँ से देखो कन्यादान आपके है शायद सिलेबस में, और झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी द्वारा रचित कविता है या नहीं है देख लेना आप। संत दादू दयाल नहीं रहा आपके, ईदगाह भी नहीं रहा आपके, ठीक है। इसके अलावा आपके सिलेबस में जो है ये मथुरा से है पहला, ये वाला है ये आपका। इसके अलावा सागरमल गोपा वाला है या नहीं है देख लेना आप। मानव शरीर पर विचार जो आपके सिलेबस में नहीं, ऋतु वर्णन का शायद है आपके। तो ये तुलसीदास वाला देखो वापस का भी परिचय पूछा ना, इसलिए कहता हूँ मैं वापस से रिपीट होता है। सवाब से ये खत्म हो गया आपका, ठीक है। ये है ही नहीं आपके, देखना नहीं आपको। अब बढ़ते हैं अपन 2021। तो गाइस 2021 में आपका पेपर नहीं हुआ था, कारण ये था कि उस समय कोरोना की बीमारी चल रही थी। सीधा ही 2022 का पेपर आपके सामने, और इस पेपर को आप अच्छे से देखना। इस पेपर ये सेम पैटर्न ही वर्तमान में आपके हैं, यानी जो कल आपका एग्जाम होगा उसी पैटर्न पे था ये, तो उसी पैटर्न पे मैं बता देता हूँ आपको, देखना ना बिल्कुल। ये आपका पहले सबसे पहले आ गया आपका अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश का मतलब ये होता है जो किताब से बाहर आता है, ठीक है, तो ये देख लेना आप। फिर ये गद्यांश है अपठित। इसके बाद देखो एबसेदे भी दे दिए गए इसमें आपके, सोने पे सुहागा होना मौर्य का अर्थ है, तो इसका मैं बता देता हूँ, किसी विशेष वस्तु और दूसरी वस्तु के मेल में उसे विशिष्ट गुण का समावेश हो जाना, ठीक है। और प्रथम वस्तु जीवन, हाँ तो 6 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। आगे आ जाओ। देहाती दुनिया उपन्यास पाठ लिया गया, माता का आंचल से, साना साना हाथ जोड़ी से, नाक पर जोज पंचम की नाक, ये जोज पंचम की नाक तो है नहीं आपके, ठीक है। फिर खालिस्तान, ऐसे ही खालिस्तान आपके पेपर में बनेंगे। जिस संज्ञा शब्द से नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी यह परिभाषा। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति प्राणी वस्तु के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यह खालिस्तान में क्या आएगा, व्यक्ति वस्तु प्राणी के नाम को, ठीक है। वे सर्वनाम निकट और दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर संकेत करते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, की ओर, तो उसे क्या कहते हैं भाई, निश्चयवाचक, यानी निश्चित संकेत करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा निश्चित। विशेषण के प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखना, ये वापस से रिपीट होगा आपके आपके सिलेबस में। अविकारी और अव्यय शब्द आपके सिलेबस में, ऐसे शब्द जिनके स्वरूप में लिंग वचन काल आदि के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्या नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे अव्यय शब्द कहलाते हैं, ठीक है। संस्कृत में कुल उपसर्ग आपके 22 होते हैं, क्लियर है। और वे धातु और क्रिया जो अंत में लगकर शब्दों की रचना करते हैं उन्हें कौन सा प्रत्यय कहते हैं, तो मैंने बताया था कृत प्रत्यय कहते हैं। ये वापस से रिपीट हुआ था 2023 में और 2000
23 में दो तीन सवाल आपके हूबहू वापस रिपीट हुए थे। ठीक है, अब मैं आपको सवाल बता देता हूँ। संधि की परिभाषा देते हुए स्वर संधि के प्रकार बताइए। दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। स्वर संधि के पांच प्रकार होते हैं। ठीक है, द्वंद संधि, सॉरी सॉरी सॉरी, द्वंद तो समास हो गया ना। देखो, सबसे पहला आ जाएगा आपका दीर्घ संधि, गुण संधि, वर्धी संधि, यण संधि, अयादि संधि। ये पांच भेद हो गए। कर्मधारय और बहुव्रीहि में, कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य है और उपमेय उपमान में संबंध होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में तो कोई अन्य अर्थ निकलता है। अंतर पूछ लिया जाता है तो दोनों समासों की परिभाषा आपको लिखनी होती है। आकाश टूटना, बड़ी मुसीबत में फंसना, अंधा बाटे रेवड़ी, फिर अपनों को दे, यानी सारे बड़े पद अपनों को ही देना। जब अपना आदमी कोई भी अच्छी जॉब में होता है तो अपने को ही ज़्यादा, अपने जो होते हैं उन्हें ज़्यादा लाभ पहुँचाता है, इसका मतलब ये है। नेताजी का चश्मा पाठ में किसके योगदान को दर्शाता है, इम्पोर्टेंट है। मन्नू भंडारे के पिता की दुर्बलता, नौबत खान इबादत पाठ किसके बारे में है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। ऊंधो तुम ही हो अति बड़बागी, गोपियों ने ऐसा क्यों कहा, परशुराम का गुस्सा कैसे शांत हुआ। देखो, ये सवाल वापस से रिपीट हो गया, मैंने कहा ना वापस से रिपीट होता है। आत्मगति कविता के अभिव्यक्ति, ये भी रिपीट हुआ। माता का अचल पाठ, ये भी रिपीट हुआ। युमथांग का अर्थ क्या है, ये आगे आपके किन गंतोक वाला जो है ना चैप्टर, गंतोक ये कहाँ पड़ता है, तो ये आपके सिक्किम में पड़ता है। युमथांग से गंतोक का जो सफर हो। हालदार साहब ने पान वाले से क्या पूछा कि पान वाले ने क्या उत्तर दिया है, ये इंपॉर्टेंट है। बाल गोविंद भगत का रेखाचित्र के माध्यम से किसके चरित्र का उद्घाटन किया गया है। नवाब सामने खीरे के फांकों को बिना खाए ही क्यों फेंक दिया। काशी में मरण भी मंगल क्यों माना जाता है, नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर लिखिए। गोपियों ने राजधर्म किसे कहा, क्रिया की परिभाषा देते हुए कर्म के आधार पर क्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। ये सारे जो पाठ है ना आपके इंपॉर्टेंट है, इसमें से देखो कुछ एक पाठ आपके हट गए, जैसे चोच पंचम की नाक आपके सिलेबस में नहीं है, जो नहीं पढ़ना। आगे आ जाओ, यशपाल का जीवन परिचय बताइए, यतीन्द्र मिश्र, दोनों इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ये आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और तुलसीदास, देखो तुलसीदास फिर से आ गया, शायद 3 से 4 बार इसका कवि परिचय पूछ लिया गया। आगे आ जाओ, फिर ये आपके गद्यांश और पद्यांश दोनों आ गए, फिर ये आपके क्वेश्चन आंसर है। एक कहानी ये भी है, पाठ में मन्नू भंडारी साधारण लड़की के असाधारण बनने के पारंपरिक पड़ावों को प्रकट किया है, स्पष्ट कीजिए। दूसरा, लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जो नहीं तो इस घर में छोड़कर चल दूंगा, ऐसा बाल गोविंद भगत ने क्यों कहा था। ये दंतुरित मुस्कान कविता कवि से क्या संदेश देना चाहती है, छाया मत छूना कविता। ठीक है, तो सारे आपके इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा देखो मैं बात कर लेता हूँ, जीवन में खेलों का महत्व इम्पोर्टेंट है। वैश्विक महामारी कोरोना शायद अब नहीं बनेगा, ठीक है पहले तो बन चुका कोरोना, अब मुश्किल है, फिर भी एक बार देख लेना। राजस्थान के त्यौहार बड़ा इम्पोर्टेंट है, राजस्थान त्यौहारों का राज्य है वैसे भी। और दूसरा, मेरा प्रिय महापुरुष कौन है आपको बताना, इसमें जैसे आपका महात्मा गांधी जी हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, जो भी आपके महापुरुष रहे हैं उसके बारे में आपको लिखना है। आप राजकीय उच्च माध्यमिक अर्णव नगर के सुरेश हैं, आपके विद्यालय में पुस्तकालय में बाल उपयोगी पुस्तक मंगवाने हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है। अच्छा है, लिख लेना। प्रार्थना पत्र और पत्र आपका ऑप्शन में आएगा, पहले केवल दोनों पत्र आते थे लेकिन वर्तमान पैटर्न में प्रार्थना पत्र और पत्र दोनों मिलेंगे आपको। स्वयं को हिम्मतनगर का नरेंद्र मानते हुए अपने छोटे भाई देवेश को स्वास्थ्य सुधार के लिए एक पत्र लिखना है। इसके बाद राजकीय उच्च माध्यमिक में देखो ये विज्ञापन आगे दो आपके, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नमनपुर के चित्रकला छात्रों द्वारा बनाए गए चित्रों की बिक्री हेतु एक विज्ञापन लिखना है। दूसरा, नव सृजन संस्था द्वारा बनाए गए मूर्तियों की बिक्री हेतु आपको एक विज्ञापन लिखना है। ठीक है, तो ये आपका 2022 वाला पेपर था। अब 2023 वाला पेपर मैं आपको बता देता हूँ, तो लगभग मैंने आपको 7 साल के पेपर, एक 2021 में आपका पेपर नहीं हुआ था, ठीक है, आपका 2023 वाला पेपर बिल्कुल इसी पैटर्न पर आपका पेपर बनने वाला है, तो इसको अच्छे से देख लेना। वैसे इसको मैं बता भी चुका हूँ पहले, तो पूरा आप देख लेना, इसका मैंने अलग से वीडियो भी बना रखा अगर आप देखना चाहो तो। बस इसमें से देखो एक चीज़ आपको करनी है, इतने सारे पेपर बताए ना, इसमें जो ग्रामर आई है वो सारी ग्रामर आप याद कर लेना, और जो सारे क्वेश्चन आए आपके यानी किताब के जो प्रश्न उत्तर आए वो भी आपको सारे याद करना है, क्लियर। दूसरा मैंने जो इम्पोर्टेंट निबंध बताया और लेटर और पत्र और प्रार्थना पत्र जो आए वो भी याद कर लेना। दूसरा, पिछले 2 साल में जो आपके विज्ञापन बने ना वो देख के जाना आपको, ठीक है।
वैसा नहीं आएगा, तो उसी तरह से आपको पूछा जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका पेपर है। इसी वजह से देखो पिछले 2 साल के ग्रामर के जो खाली स्थान आए ना, वो रट के जाना, वापस बनेंगे वो। ठीक है, ये देखो जैसे 2023 पिछले साल में ऐसे इस प्रकार से आपका आया था। ठीक है, ये बताना आपको। देखो ये वापस से रिपीट हुआ आपका, मैंने कहा था ना उपसर्ग कितने होते हैं, ये भी वापस से रिपीट हुआ। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं आपके। देखो जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव केवल कर्ता पर पड़ता है वो अकर्मक कहलाती है। तो ये सब आपको याद करना। यण संधि का उदाहरण सहित समझाना है। दूसरा द्वंद्व और द्विगु में अंतर बताना, दोनों की परिभाषा लिखनी। द्विगु में पहला पद संख्यावाची होता है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होता है। यण संधि में ये वे रे के मेल से जो भी आपकी संधि बनती है वो यण संधि होती है। और कीचड़ उछालना यानी किसी को कलंकित करना। फिर ये बाल गोविंद वाले, ये जो क्वेश्चन आंसर है ना आपके, ये सारे इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप याद कर लेना। ठीक है, कैप्टन ने नेताजी का चश्मा क्यों नहीं लगाया। ठीक है, गोपियों वाला, और ये सारे जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है आपका। तो मैंने लगभग आपको पिछले 7 सालों के पेपर में आपको बता दिया। एक 2021 में नहीं हुआ था कोरोना के कारण। जीवन में शिक्षा का महत्व, देखो ये इंपॉर्टेंट है, वापस रिपीट हो गया ना। दूसरा महंगाई, मैंने पहले बताया था महंगाई का, वापस आ गया आपके सामने, इसीलिए मैं कहता क्वेश्चन रिपीट होता है। महंगाई का पहले भी पूछा गया था, वापस महंगाई आ गया आपका। ठीक है, जीवन में सुख का आधार स्वास्थ्य, पहले भी आया था, वापस स्वास्थ्य आ गया आपका। ठीक है, मेरा प्रिय कवि, ठीक है, ये पहले भी आया था और वापस आ गया मेरा प्रिय कवि। ठीक है, आगे बढ़ो। खेल सामग्री मंगवाने हैं, तो देखो ऐसा पहले भी आया था, कोई बहुत सारी सामग्री स्कूल में मंगवाने के लिए पूछा जा सकता है आपको, तो देख लेना। दूसरा शिक्षा का महत्व बताना आपको, क्या शिक्षा का महत्व बताना अपने भाई को, है ना, छोटे भाई को। दूसरा देखो मूर्तियों वाला, पिछले साल भी मूर्तियों वाला विज्ञापन था और अब की बार भी मूर्तियों वाला आ गया। दूसरा बसंत ऋतु की प्रदर्शनी लगी है स्कूल में, उस पर विज्ञापन लिखना। तो 4 विज्ञापन है पिछले 2-3 सालों से, विज्ञापन पूछे जा रहा, पहले सिलेबस में नहीं था, तो पिछले 2-3 साल के विज्ञापन आप देख लेना। ठीक है, वैसे विज्ञापन पे मैं वीडियो भी बना चुका हूँ, वहाँ से भी आप देख सकते हो। देखो मैंने विज्ञापन पे अलग से वीडियो बनाया, निबंध पे मैंने अलग से वीडियो बनाया, पत्र कैसे लिखना उस पर अलग वीडियो बनाया, किताब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए उसमें अलग मैंने आपको वीडियो दिया, शेखावटी मिशन की व्याकरण पूरी करवाई, शेखावटी मिशन के क्वेश्चन आंसर पूरे करवाए। अब देखो बहुत कुछ मैंने आपको करवा दिया, यहाँ से बाहर कुछ नहीं जाने वाला। अब फाइनली मैं आपको 5 से 6 मॉडल पेपर करवाऊंगा, उन्हीं में से उनको और अच्छे से देख लेना, बहुत बेहतर तैयारी आपकी हो जाएगी। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। इस क्लास को देखो आप अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।